नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। मैं पब्लिशर आप सभी का हमारे रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम इस समय रीजनिंग पढ़ रहे हैं। हमने यूट्यूब पर हमारी रीजनिंग की क्लास 21 अपलोड कर दी है। अब हम दोस्तों क्लास नंबर 22 पे है, तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्लास नंबर 22 के पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि विकल्पों में से बॉक्स को चुनिए जो आकृति दिखाए गए शीट को मोड़ने पर बनाया जा सकता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन घन का है। आपको एक आकृति दे रखी है, चार ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से एक राइट आंसर है। इस आकृति को मोड़ने पर एक घन बनेगा। अब वो किस प्रकार बनेगा और कौन से इनमें से राइट आंसर आएगा, जिसको आपको बताना है, तो आप इस क्वेश्चन को करिए। इसके लिए मिलेंगे मात्र आपको 20 सेकंड। करो पिंटू रिंकू। चलते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, एक बार हम भी देखते हैं कि किस प्रकार हुआ है। क्वेश्चन की रीडिंग करने पर पता चलता है दोस्तों, क्या पूछ रहा था कि एक सीट दे रखी है, उसको मोड़ने पर किस प्रकार का आकृति बनेगी, ये देखनी है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, इसमें कुछ भी नहीं देखना है दोस्तों, विपरीत देखना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर है, सबसे पहले 5 के विपरीत होता है दोस्तों 3। इस प्रकार की जब आकृति आ जाए तो इसमें ये बगल वाले होते हैं, 5 के विपरीत 3, 2 का विपरीत होता है दोस्तों 4, और 1 का विपरीत होता है दोस्तों क्या, 6। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 3। यहाँ तक आ गए दोस्तों आपकी समझ में, तो देखिए आगे। अब दोस्तों यहाँ पर 2 का विपरीत 4 दे रखा है ना, तो 2 के बराबर 4 किसी भी घन में नहीं आएगा, अर्थात इसके विपरीत यदि ये दे रखा है तो 2 बराबर 4 किसी भी घन में नहीं आएगा। 2 4, 2 के साथ 4 बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, 2 का विपरीत 4 है, तो यहाँ पर 2 के साथ 4 दे रखे हैं, तो ये कट। आगे देखिए दोस्तों, 1 के विपरीत 6 दे रखे हैं। अब यहाँ पर 1 के विपरीत 6 किसी के साथ नहीं आ सकते, 1 है ना, 1 के साथ 6 बिल्कुल नहीं आ सकता, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, ये भी कट। आगे देखिए दोस्तों, 5 के विपरीत 3 है, तो दोस्तों यहाँ पर 5 के विपरीत 3 है, तो ये भी कट। बचा ऑप्शन कौन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों, ये क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं देखना दोस्तों, बस हमको विपरीत देखना है कि जैसे 2 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 3। तो जैसे 2 का विपरीत 4 होगा, तो 2 के साथ 4 कभी भी नहीं आ सकता, जो जो साथ में है उनको काट देंगे, बचा कुछ हमारा उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपके समझ में आ गए दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पर, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। हमें एक आयत जैसी आकृति दे रखी है, चार ऑप्शन हमारे सामने है। इस आकृति में हमें देख के पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, हमें यह बताना है। इन ऑप्शन में से हमारे एक राइट आंसर है, तो आप इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। चलते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, एक बार हम भी देखते हैं किस प्रकार हुआ है। तो देखिए यह क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, आकृति दे रखी है, ऑप्शन दे रखे हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। 29
हम इसको इस दिशा में करेंगे दोस्तों। इसके लिए हमने आपको पहले ट्रिक भी बताए थे कि जिस तरफ ज्यादातर बड़ी संख्या उसको उसी तरफ सोल्व किया जाता है, तो इसको हम इस तरफ सोल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार हुआ है, कुछ भी नहीं, 3 और 2 को जोड़ो पहले, 3 प्लस 2 बराबर 5। आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे 5 का, ये जो 5 आया उसका स्क्वायर कर देंगे, और ये 2 बचा ना इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगा के 2 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 29, ये 29 आ गए दोस्तों। इसमें ये लॉजिक लग रहा है। आगे देखिए, 1 और 4 दे रखा है, 1 प्लस 4 बराबर 5, वही 5 का स्क्वायर, अब यहाँ पर 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर दोस्तों 25, और 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 16। 25 और 16 जोड़ने पर आते हैं दोस्तों 41। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 41 आ गई, ये भी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या दे रखा है दोस्तों, 4 प्लस 3 बराबर 7, 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, प्लस फिर यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 3 तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49, 3 का स्क्वायर होता है 9, 49 में 9 जोड़ेंगे तो दोस्तों आते हैं 58। अब 58 किसी ऑप्शन में है दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में इस प्रकार हुआ है, आपके समझ में आ गई। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि हमें नीचे दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह जब रिक्त स्थानों को क्रमवार रखा जाएगा तो श्रृंखला को पूरा करेगा। दोस्तों हम आपको 20 सेकंड देने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से खोल खोल के समझाते हैं। अब हमने जितनी भी हमारी वीडियो यूट्यूब पर डाली है उनके एक एक वीडियो के क्वेश्चन हमने खोल खोल के आपको समझा रखे हैं, जिसके बावजूद हम आपको करने के लिए देते हैं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है दोस्तों, ध्यान लगा के सुनना, ये ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों हमको एक श्रृंखला दे रखी है, इस श्रृंखला में हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमको रिक्त स्थान दे रखे हैं इनको हमको भरना है। अब इनको भरने पर जो जो अल्फाबेट्स इनमें आएंगे उनमें से हमारा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हमारे एक राइट आंसर होगा। तो दोस्तों पहले आप इस क्वेश्चन को करिए, यदि आपसे हो गया तो ठीक है, यदि ना हुआ तो फिर हम इसको हम समझाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए मिलते हैं आपको 20 सेकंड, आप इस क्वेश्चन को करिए। तो चलते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा तो ओके, एक बार हम भी देखते हैं, आप मैच करके देख लेना राइट आंसर है नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हम जो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखने के बावजूद तो हम आपको जो 20 सेकंड देते हैं, तो दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन करने में देरी हो जाए तो आप वीडियो पॉज कर देना, वीडियो रोकने पर पहले आप सोल्व करना, आप सोल्व करने की कोशिश किया करो, उसके बावजूद ही यदि आपसे नहीं होता है ना तो वीडियो चालू करके फिर जो हम समझाते हैं फिर आप समझ लेना कि आपकी कहां पर गलती हुई है। तो देखिए दोस्तों श्रृंखला हमको क्रमवार दे रखी है, ये दे रखी, अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना दोस्तों, हम आपको खुल खुल के समझाएंगे एक एक चीज। ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाए श्रृंखला का खाऊं पर भी दे दे, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें हमको जो भी दे रखा है यहाँ तक जो भी
जितने भी दे रखे हैं इनको गणना है हमको सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो इनको हम गिनेंगे, इनकी गिनती करेंगे। गिनती कर ली दोस्तों कितने हैं, 12 है। अब ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया हमने 12। अब दोस्तों हमको 12 के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। तब 12 किस किस के फायदे में आते हैं देखिए दोस्तों। एक ये आता है 3 × 4, 4 × 3 = 12, या 312 × 4 = 12, ये इसके टुकड़े हो गए दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों क्या करेंगे। अब इसके टुकड़े हो गए ना, तो सबसे अब इनके हम टुकड़े करेंगे तो हमको पहले छोटे नहीं बल्कि इनको हमको सबसे ज्यादा, या जितना बड़ा आप हो सके उतना बड़ा इसका टुकड़ा कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 दे रखा है, तो हम इसके 4 कॉलम लेकर के इसके टुकड़े कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर हम बड़े ही सही बड़ा ही टुकड़ा करने की कोशिश किया करो। यहाँ पर दे रखा है 4 × 3 = 12, तो इसके 3 भाग होंगे, और जो भी किस किस के होंगे 4 4 के। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4, एक भाग ये हो गया दोस्तों 4 अल्फाबेट्स का, 1 2 3 4, एक भाग दोस्तों ये हो गया, 1 2 3 4, एक ये हो गया दोस्तों। तो आगे देखिए दोस्तों अब ये किस प्रकार होएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन ज्यादातर उत्तर से तो सोल्व नहीं होता है, उत्तर से जब जार होता है, जब जार शुरू में ये आपस में समान हो। अब ये समान नहीं है तो ऐसे तो ये सोल्व होएगा नहीं दोस्तों। एक लॉजिक ये भी है इसमें, पहले एक बार उत्तर देख ले करो, यदि उत्तर में शुरू के अल्फाबेट समान है ना तो इसमें कुछ भी नहीं, शुरुआत में वही आएगा। एक ट्रिक हमने आपको ये भी बता दी। अब देखते हैं दोस्तों किस प्रकार हो गया, कुछ भी नहीं, श्रृंखला को अच्छी तरीके से देखो भाई क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है हमको डी के बाद में क्या दे रखा है, एम दे रखा है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर यदि डी के बाद में एम आ रहा है तो यहाँ पर भी डी के बाद में एम आएगा, ये एम लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर बराबर में एम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों आगे देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, डी से पहले क्या दे रखा था, डी से पहले तो कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एन दे रखा है, एन से पहले एन दे रखा है, तो यहाँ पर इससे पहले एन लिख देंगे। ठीक है दोस्तों ये एन लिख दिया, अब ये क्या हो गया दोस्तों, डी एम एन एन। तो कुछ भी नहीं करना, एन से पहले एम दे रखा है एम, और यहाँ पर एम से पहले डी दे रखा है तो डी, यहाँ पर डी और एम आ जाएगा। तो डी एम एन एन, डी एम एन एन, डी एम एन और एन दोस्तों, एम एन डी एम एन, एम एन डी एम एन, किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपके समझ में आ गया दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है, हमने आपको अच्छी तरीके से खुल करके बता दिया कि क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, यदि समझ में नहीं आई तो ऐसे और क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको हम और अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 में, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर, चलते हैं दोस्तों हम हमारे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है दोस्तों, यहां दिए गए विकल्पों में से, इसके बीच में गए है, दूसरे जोड़े के लिए सापेक्षित शब्द का चयन करें। दूसरे जोड़े दोस्तों ये रहा, जो पहली जोड़ी के रिश्ते का अनुसरण कर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लेगा। अब अनुसरण कर, अनुसरण कर इसका मतलब ये होता है दोस्तों, यदि सी डी ई का संबंध डब्ल्यू वी यू से है, उसी प्रकार जी एच आई का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन वाचक चिन्ह दे रखा है, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। हमको पता लगाना है कि क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, अर्थात डब सी डी ई को डब्ल्यू वी यू लिखा जाता है तो जी एच आई को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है, हमने आपको सीधी भाषा में समझा दिया। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करिए, इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकेंड। तो करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, तो चलते हैं दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा, एक बार हम देखते हैं कि कुछ
प्रकार हुआ है। क्वेश्चन की हमने रीडिंग कर ली थी, पर संवाद सेक्शन के स्थान पर क्या आएगा हमसे ये पूछ रहा था। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है, सी डी ई डब्ल्यू वी यू। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आता है, सबसे पहले सी लेते हैं। सी दोस्तों ये छोटा है, स्मॉल अल्फाबेट से दोस्तों ये, तो सी छोटा है दोस्तों। तो सी का विपरीत होता है दोस्तों एक्स। अब एक्स में से एक कम आएगा डब्लू। अब दोस्तों यहाँ पर सी छोटा है तो इसका विपरीत एक्स होता है, एक्स एक कम गया तो डब्लू आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये छोटा है तो इसका क्या कर दिया, इसको डब्लू लिख दिया। जो डब्लू किस में लिख दिया, कैपिटल में लिख दिया, बड़ा में, ठीक है दोस्तों। आगे आता है दोस्तों डी। डी का विपरीत होता है दोस्तों क्या, डब्लू होता है। डब्लू में से एक कम गया दोस्तों वी, तो यहाँ पर ये भी छोटा है तो इसका क्या कर दिया, बड़ा वी। अब देखिए दोस्तों ई, ई का विपरीत होता है दोस्तों क्या, यू। यू में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा, नहीं दोस्तों ई का विपरीत होता है वी। वी में से एक कम करेंगे तो यू आता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बड़ा है ई तो इसका छोटा कर दिया यू। ये इस विधि से हुआ तो ये भी इस विधि से होगा, इसमें लॉजिक लगेगा। आगे देखिए दोस्तों जी, जी का विपरीत होता है दोस्तों टी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जी छोटा है तो यहाँ पर बड़ा अल्फाबेट्स में आए थे तो यहाँ पर भी आप बड़े आएंगे। अब जी, जी का जी छोटा है, जी का विपरीत होता है टी। टी में से एक कम करेंगे तो एस, और एस आए दोस्तों बड़ी में, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों एच, एच का विपरीत होता है दोस्तों एस। अब एच छोटा है दोस्तों तो यहाँ पर बड़ा दे रखा था तो हम भी बड़ा लिखेंगे तो एच के विपरीत एस, एस में से एक कम करेंगे दोस्तों आर। अब आगे देखते हैं दोस्तों आई, आई बड़ा है दोस्तों, आई का विपरीत क्या होता है, आई का विपरीत होता है दोस्तों आर। अब आई बड़ा दे रखा था, आर होता है, आर में से कम करेंगे क्यू। अब दोस्तों क्यू छोटा आ जाएगा तो एस आर क्यू किस ऑप्शन में दोस्तों, एस आर क्यू ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपके समझ में आ गया दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर पाँच में, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर पाँच में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँच पर, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँच पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर पाँच में क्या दिया है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँच में दिया गया है, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि दी गई अक्षर श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होना चाहिए। आपको एक श्रृंखला दे रखी है दोस्तों, ये श्रृंखला में यहाँ तक दे रखी है, अब इससे जो अगला अक्षर आएगा ना वो कौन सा आएगा ये हमको पता लगाना है। चार ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें से अगला अक्षर वही होगा, वही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। यह क्वेश्चन शायद पहली बार आया है इसलिए हम ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को कर लेना दोस्तों। अरे यदि ये आपसे ना हुए, जब भी समझ में ना आए तो हमारे बॉस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम इस क्वेश्चन को आपको फिर से समझा देंगे। तो चलते हैं दोस्तों, यदि दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाई गई रीजनिंग आपके समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग हमारी वीडियो को देख सकें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले चिन्ह को क्लिक करें जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि दोस्तों कोई सा भी क्वेश्चन आपके समझ में ना आए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना, उस क्वेश्चन हम आपको फिर से समझा देंगे। तो चलते हैं दोस्तों, हम मिलेंगे हम अगली क्लास पर। चलिए दोस्तों, ओके।